न्यायमूर्ति सूरजकांत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में आयोजित एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। समारोह का आयोजन दरबार हॉल में ही किया गया, जहां मुख्य सचिव बी के अग्रवाल ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति अधिपत्र पढ़ा। अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जस्टिस सूर्यकांत की धर्मपत्नी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। High Court of Himachal Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the law. Bureau Report, Polestar TV, Shimla.